जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। गुलबर्गा में कई सारे सोशल और न्यूज़ मीडिया है, बहुत बेहतरीन सोशल मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, मगर जो तकरीबन सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर जो प्रेफर करते हैं गुलबर्गा हेडलाइंस, इसके कई सारे कारण हैं गुलबर्गा हेडलाइंस को प्रेफर करने का। ये लोग हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज़ और जो वार्ड्स के इश्यूज़, हर इश्यूज़ को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करें, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज़ के प्रोफाइल को पब्लिक के सामने वो लोग रिप्रेजेंट करें। मगर आज वक्त आया कि मैं उनके प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं बड़ी खुशी के साथ और बड़े प्राउड के साथ। जो गुलबर्गा हेडलाइंस के जो एडिटर है वसीम साहब और जो ग्राउंड रिपोर्टर है गफ्फार साहब और उनकी टीम है, ये लोग मुसलसल ये लोग मेहनत करते आ रहे हैं। वो लोग गुलबर्गा के कई सारे इश्यूज़ को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करें और पर्सनली ये लोग इश्यूज़ के अंदर भी इन्वॉल्व होकर लोगों को जस्टिस दिलाएं। और इसी के कारण अब देखिए 6 साल की जो मेहनत है, आज इनके 4,23,000 इनके फॉलोअर्स है, ये चुप नहीं है। 4,23,000 इट्स नॉट ए स्मॉल डील, ये बहुत बड़ी मेहनत है। ये मेहनत के बाद ही इतने 4,23,000 इनके फॉलोअर्स बने सो है ये लोग। और इनकी जो अगर आप इनके पेज में अगर जाके देखेंगे तो 4.1 इनकी रेटिंग है ये लोगों की, इनके मीडिया मैनेजमेंट की रेटिंग 4.1 है। दिस शोज द डेडिकेशन ऑफ एंटायर मीडिया मैनेजमेंट, इनका जो पूरा मैनेजमेंट का डेडिकेशन बताता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी ये फील करते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ गुलबर्गा हेडलाइन, और उसी की वजह से आज मैं गुलबर्गा हेडलाइन को आवाम के सामने रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। आज ये खुद का एक ऑफिस सेटअप करे हैं, ऑफिस इज़ वेरी प्रोफेशनल तरीके से वो ऑफिस को बनाया गया है, जिसके अंदर आपको डिबेट करने का मौका है। अगर कोई सोशल एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल लीडर या कोई आम जनता भी वहाँ पे जाकर आप डिबेट के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं, डिबेट आप कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने इश्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ऑफिस बनी हुई है सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट के लिए नहीं, ये ऑफिस बनी हुई है ख़ास आम आवाम के लिए भी, कि आवाम भी आकर वहाँ पर आपका जो भी इश्यूज़ है वो रख सकते हैं। तो इस ऑफिस का इनॉग्रेशन संडे 17 तारीख को रखा गया है, इफ्तार के साथ शुरू होगा और खाने का भी इंतज़ाम वहाँ पे रखा गया है। ये ज़रूरी है कि तमाम हम लोगों को वहाँ पर मौजूद होना और वसीम की टीम को हौसला अफजाई करना। तो मैं आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि कल इफ्तार में हम सब वहाँ पर मिलेंगे और इंशाल्लाह वसीम और वसीम की पूरी टीम को हम लोग मोटिवेट करेंगे और इंशाल्लाह उनकी इस खुशी में हम लोग साथ देंगे और उस खुशी का हिस्सा बनेंगे।